हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ टीसी गुप्ता, टीम केमिस्ट्री, टीम सीएलसी। तो आज हम करने जा रहे हैं ऑनलाइन डीटीएस 4JEE 2021 का टेस्ट नंबर है KM05। ठीक है, इसमें हम एडवांस पार्ट टू का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम एंड हाइड्रोजन। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, सेक्शन ए में। सेक्शन आपका सिंगल करेक्ट आंसर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इफ जेड एक्सिस इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मीन्स जिस एक्सिस के अकॉर्डिंग डायरेक्शन में मूवमेंट होता है बॉन्डिंग के लिए। तो इफ जेड एक्सिस इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैप विल फॉर्म पाई बोन। पाई बोन किससे बनेगा? ठीक है, जेड अक्ष क्या है? अंतर नाभिकीय अक्ष है, तो पाई बोन किससे बनेगा? तो देखो, हम इसको जेड मान लेते हैं। ये डायरेक्शन क्या मान लेते हैं बेटा? जेड मान लेते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, दे रखा है डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। क्लियर? तो डी, अगर ये जेड एक्सिस है तो डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर जो होगा, इसको एक्स मानते हैं, इसको वाई मानते हैं। ठीक है, तो दिस इज डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। और अगर जेड आई ए है, जेड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, तो इसके जस्ट ऊपर आएगा। इट मीन्स क्या होगा? डेल्टा बोन। क्या बनेगा बेटा इस केस में? डेल्टा बोन बनेगा। तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो गया बेटा। सेकेंड ऑप्शन चेक करें बेटा, तो डी एक्स वाई प्लस डी एक्स वाई, तो देखो सेम, ये भी एक्स वाई प्लेन में होगा। दिस इज, तो जेड अगर आई ए है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, तो क्या होगा? वही सेम क्या बनेगा बेटा? डेल्टा बोन बनेगा इस केस में। तो सेकंड भी आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, थर्ड आपका बेटा डी एक्स जेड प्लस डी एक्स जेड, तो देखो दिस इज जेड एंड दिस इज एक्स। अब देखो आई ए आपका जेड है, तो इसी डायरेक्शन में क्या होगा? मूवमेंट होगा। मूवमेंट होगा तो ये बोन कौन सा बन जाएगा बेटा? पाई बोन। तो इस केस में क्या बन जाएगा? पाई बोन विल फॉर्म। यानी आपका आंसर 3 करेक्ट बेटा। क्लियर? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। विच ऑफ द सेट ऑफ द स्पीसीज हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बट डिफरेंट शेप। कौन सा समूह है समान संकरण अवस्था होते हुए आकृति शेप, यानी संकरण समान देखना है और शेप आपको अलग अलग होना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 क्या है? ऑप्शन नंबर में NO2+, तो NO2+ में क्या होता है? N के आउटर में कितने हैं? 5 होते हैं। बोन में कितने काम आए बेटा? प्लस 1 यानी 4 बचा, 4 काम में आ गया, यानी 2σ+0 यानी SP हो गया बेटा। और शेप क्या हो गई? लीनियर। ठीक है, सेकेंड है NO2, NO2 में क्या होगा? स्टार से बनेगी, एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा बेटा? फ्री। और अगर हम रूल लगा दें कि हाइड्रोजन अगर एटम है और फ्री रेडिकल है, तो इसको काउंट करेंगे, डिस्टेंस क्या हो गया इसमें? 2+1, ये हो गया sp2। क्लियर? तो दोनों में क्या होगा? ये डिफरेंट हो गया, तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट है। सेकेंड देखते हैं बेटा, सेकेंड ऑप्शन में है Cl4- चेक करते हैं पहले। तो क्लोरीन के आउटर में कितने होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन? क्लोरीन के आउटर में कितने होते हैं? 7। बोन में कितने काम आ गए? 1, 2, 7 काम में आ गए बेटा। लोन पेयर 0, सिग्मा कितने बजे? σ4 है, 4+0 आपको हो गया sp3। शेप हो गई इसकी टेट्राहेड्रल। sf4 देखो बेटा, sf4 में क्या होगा? s के वैलेंस में 6 होते हैं। बोन में कितने काम आएंगे? 4 काम में आएंगे आपके, तो क्या होगा? कितने बचेंगे? 2 बचेंगे, 2 बोले तो 1 लोन पेयर, यानी आपका हो गया 4+1 sp3d हो गया। तो ये हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे सेम नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन चेक करो आप, थर्ड में है NH4+। NH4+ में स्ट्रक्चर से करते हैं, देखो NHH और हायर EN पे नेगेटिव, लेस EN पर पॉजिटिव, तो H पर क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव आएगा। और क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। N के वैलेंस में कितने होते हैं बेटा? एन आता है 15 ग्रुप में। देखो वैलेंस के लिए क्या ट्रिक है? फर्स्ट के 1, सेकंड के 2, 13 के 3, 14 के 4, 15 के 5, 16 के 6, 17 के 7, 18 के 8, तो ये 15 में आता है तो 5 होंगे। बोन में यूज कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 5 के 5 यूज होंगे। सिग्मा कितने बेटा? 1, 2, 3, 4, 4+0 यानी आपको हो गया sp3। टेट्राहेड्रल शेप हो गई। इसमें H3O+ की बात करें तो वही क्या होगा? एस
एस पे क्या आएगा प्लस, और ओ के आउटर में कितना होता है, एक कोनेट बोन बनेगा। ओ के आउटर में कितना होता है बेटा, 16 में 6, बोन में कितने यूज हो गए, 1, 2, 2, 4, कितने बचे हैं 2, तो बोले तो 1 लोन पेयर, यानी 3 sigma 3+1, यानी आपका हो गया एस पी 3। क्लियर? तो हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रहा है, ठीक है। शेप भी इसमें क्या होगा, टेट्राहेड्रल, और इसमें कौन सा होगा, पिरामिडल होगा। और इसका ऑप्शन चेक करते हैं, ओ एफ टू में क्या होगा बेटा, यहाँ बनाया तो मैं ओके वैलेंस शेल में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 6, बॉन्ड में कितने गामा है 2, कितने बचे 4, बोले 2 लोन पे 2+2, सेम हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गया बेटा तीनों में। बट ये कैसा है, टेट्राहेड्रल शेप है, इसकी शेप कैसी है बेटा, इसकी शेप पिरामिडल है, इसकी क्या है, वी शेप है, एंगुलर बोल दो आप। क्लियर? तो हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया और शेप क्या होगी डिफरेंट, तो करेक्ट आंसर आप क्या होगा, थर्ड होगा, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो 3 बेटा, H2S2 में बॉन्ड पेयर क्या करना है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर आपको कैलकुलेट करना है। तो H2S2 H2O2 की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखो क्या होगा, S सिंगल बॉन्ड S स्टार से बन जाएगी बेटा, ठीक है। अब देखो एस के वैलेंस सेल में कितने होते हैं बेटा, 6 होते हैं, बॉन्ड में कितने गामा है 2, कितने बचे 4, 2 लोन पेयर, यानी आपके पास लोन पेयर कितने हो गए। एस के आउटर में कितने होते हैं बेटा, 1 ही होता है, 1 का 1 यूज हो गया, तो लोन पेयर 0। अब बॉन्ड पेयर तो कितने हो गए बेटा, बॉन्ड पेयर हो गए आपके 1, 2, 3, और लोन पेयर काउंट करते कितने हो गए 2 और 2, 4, तो 3 बॉन्ड पेयर। क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व कर रहा हूँ मैं, सेक्शन है का बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 4, आपका ऑप्शन है फर्स्ट है देखो 3 लोन पेयर रॉन्ग है, सेकंड में 4 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, तो आपका सेकंड करेक्ट है बेटा, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कॉम्प्लेक्स शोइंग लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन शो करता है बेटा, एम्बिडेडेंट लिगेंड शो करते हैं, तो देख लें हम किस में है, फर्स्ट में नहीं करेगा, सेकंड में अमोनिया है, CN है, दोनों एम्बी में नहीं आते हैं, थर्ड में बेटा EN नहीं आता, NO2 इज एम्बिडेडेंट लिगेंड, तो डेट्स वाई क्या आंसर आएगा, थर्ड आंसर आएगा। फोर्थ में क्या आएगा बेटा, थर्ड करेक्ट है। 5 देखो था, इफ EAN ऑफ सेंट्रल मेटल केटाइन M+2 इन ए नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स 36, EAN की वैल्यू 36 आपके पास है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 अपने पास है, एंड एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल MZ आपका 26 है, देन नंबर ऑफ मोनोडेंडर लिगेंड, कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ मोनोडेंडर लिगेंड आपको कैलकुलेट करना है, तो EAN का फॉर्मूला लगा दो बेटा, क्या होता है EAN इक्वल टू Z-ON+2 × CN, और मोनो की CN कितनी होती है, 1 ही होती है बेटा, और ये इट मीन्स जितनी CN उतने मोनोडेंडर लिगेंड चाहिए आपको, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो बेटा 36, Z कितना है 26, ON कितना है बेटा, ON देखो M+2 लिखा हुआ बेटा, तो ON2 है, +2 × नंबर ऑफ मोनोडेंडर लिगेंड, ठीक है, कितना हो गया बेटा 36 - 24, (12) = 2 × नंबर ऑफ मोनोडेंडर लिगेंड, तो CN कितने हो गए बेटा 6, तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा 6 आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, 6 पढ़े आप, 6 में है 0.01 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू 10 लीटर ऑफ वाटर। अब NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, SB स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन, और स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन की pH के लिए क्या चाहिए आपको, नॉर्मलिटी क्या होगी इसकी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे, मोल इनटू VF, तो 0.01 मोल है, VF 1 है, अपॉन वॉल्यूम कितना 10, तो 10^-3। अब नॉर्मलिटी से क्या आएगी, वही क्या होती है इसकी,
नॉर्मेलिटी इक्वल क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ या मोलरिटी ऑफ ओ एच माइनस आयन। तो पी ओ एच हो गई बेटा कितनी, 3 हो गई, और पी एच कितनी हो गई, 14 माइनस 3 11। अब देखो बेटा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पी एच या पी ओ एच, हाउ विल द पी एच ऑफ वाटर चेंज, यानी पहले वाटर में चेंज निकालना, तो पहले वाटर की पी एच कितनी है बेटा, 7 है, अब कितनी हो गई, 11 हो गई, तो चेंज कितना आया, 11 माइनस 7 कितना बेटा, 4 चेंज आया, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है बेटा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं, 7 पढ़िए, 10 ग्राम NaOH डिजोल्व कर रहे हैं 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड और 1 मोल ऑफ सोडियम एसिटेट, ठीक है, पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और एसिटिक एसिड का के आपको गिवन है। तो देखो आप, आपके पास क्या क्या है, दोनों का 1-1 मोल है, ठीक है, तो एसिटिक एसिड का 1-1 मोल है और सोडियम एसिटेट का 1-1 मोल है। अब NaOH डालेंगे तो दोनों में से सेकेंड आपके पास है सोडियम एसिटेट, NaOH बेस है, बेस अटैक करेगा एसिड पर, इट मीन्स रिएक्शन क्या होगी, NaOH से क्या बनेगा बेटा, CH3 सोडियम एसिटेट प्लस H2O। अब T इक्वल टू 0 पर इनिशियल कितने कितने, इसका 1 मोल था, इसका 1 मोल था, क्लियर। NaOH कितना ऐड करना है वो देखो आप, 10 ग्राम NaOH, तो 10 ग्राम में मोल कितने होंगे, 10/40 यानी 0.25 मोल हो गए बेटा। तो अगर इसके 0.25 मोल ऐड कर रहे हैं तो देखो LR क्या होगा, यही तो होगा NaOH, तो 1 माइनस 0.25 LR आपका फिनिश, 1+0.25 यानी फाइनल सॉल्यूशन में आपके पास एसिटिक एसिड के 0.75 मोल, NaOH आपका फिनिश हो गया और सोडियम एसिटेट के 1.25 मोल आ गए। अब देखो ये क्या है, WA है और ये क्या है बेटा, WASB सॉल्ट है। अब अगर केस की बात करें तो कौन सा हो गया बेटा, एसिडिक बफर, क्या बन गया, एसिडिक बफर। क्या पूछ रहा बेटा इसकी पीएच, तो एसिडिक बफर की पीएच क्या होती है बेटा, पीएच होता है PKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। तो पीएच इक्वल टू PKa, के की वैल्यू आपके पास है 1.8 × 10^-5, तो PKa क्या होगा, 5 − log 1.8 प्लस लॉग सोल्ट की आपके पास कंसंट्रेशन है बेटा 1.25, वॉल्यूम सेम होना, अपॉन एसिड है 0.75। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो 5 − log 1.8 प्लस लॉग 1.25 अपॉन 0.75/4 आएगा, और 5/4 की बात करें ये आ जाएगा बेटा 5/4, ये आ जाएगा 5/3 आ जाएगा, भाई 1.25 होगा 5/4 और 0.75/4, तो 5/3 यानी आपका हो गया 5 − log 1.8 प्लस लॉग 1.6। अब देखो अगर ध्यान दे तो लॉग 1.6 और लॉग 1.8 में 1.8 की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होगी ना, तो नेगेटिव थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो 5 से जस्ट कम ऑप्शन, देखो आप पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं, आपको ऑप्शन से आप सीखो आप, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, अगर आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा, और करना क्या होता है, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन आप वो अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है बेटा। तो आप क्या करें, 5 से जस्ट कम देखो आप ऑप्शन, फर्स्ट 4.96 आ सकता है, आगे भी चेक कर लो और भी अगर सिमिलर है क्या, सेकेंड पॉसिबल नहीं है, थर्ड पॉसिबल नहीं है, फोर्थ सारे 5 से ज़्यादा है, तो आंसर क्या आएगा, 4.96 फर्स्ट आपका करेक्ट है, क्लियर बेटा। अब बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की, नोट डाउन कर ले आप यहाँ तक, When 0.5 mole of NaOH was added to 1 liter of buffer solution, its pH changed from 5.7 to 5.85. Buffer capacity निकालना है, 1 liter buffer में NaOH मिलाया 0.05 mole, तो pH का मान 5.7 से 5.85 हो जाता है, तो buffer क्षमता होगी। Buffer capacity का formula क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करेंगे, buffer capacity का formula, buffer क्षमता का सूत्र क्या होता है, डेल्टा सी, जो कंसंट्रेशन हम ऐड करते हैं अपॉन डेल्टा पीएच, यानी चेंज इन पीएच। तो कंसंट्रेशन कितनी ऐड करी हमने,
पॉइंट जीरो फाइव मोल, कितनी ऐड करी बेटा, पॉइंट जीरो फाइव मोल ऐड कर दिया हमने। और मोल लीटर वॉल्यूम वन लीटर है तो मोलिटी अपॉन वन यानी वन ही आएगा, अपॉन डेल्टा पी एच 5.85 माइनस 5.7। सोल्व कर लें हम इसको तो क्या होगा बेटा, ये कितना आएगा 0.15, ठीक है, 0.5 अपॉन क्या आ गया बेटा 0.15, सॉरी 0.05 ऊपर पॉइंट लगा देता हूँ, ठीक है, पॉइंट के बाद टू डिजिट कैंसिल कर देंगे तो 1/3 बोले तो 0.3 के आसपास कोई ऑप्शन है क्या बेटा, 0.3 फर्स्ट है, 0.3 सही है, सेकेंड पॉसिबल नहीं है, थर्ड बिल्कुल बेटा फर्स्ट आपका आंसर करेक्ट है, क्लियर बेटा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन है ए टू बी, के वन है के टू है, इनिशियल मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ए और बी आर ए एंड बी एम। 9 की बात करेंगे बेटा, ए टू बी सॉल्यूशन है, टी इक्वल टू जीरो पर, सॉरी ए और बी कैपिटल है, ठीक है, तो टी इक्वल टू जीरो पर ए टू बी फॉर्म हो रहा है, तो टी इक्वल टू जीरो पर देखो इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए और बी जीरो, और टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है, इफ एक्स मोल पर लीटर ऑफ ए इज रिएक्टेड टिल द अचीवमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम देन एक्स इज, एक्स आपको कैलकुलेट करना है कि एक्स क्रिएट करता, तो ए में से एक्स गया बेटा तो बी का एक्स बनेगा तो क्या हो गया बेटा बी प्लस एक्स, के एफ की वैल्यू के वन है, के बी की वैल्यू के टू है, ठीक है बेटा, तो के सी क्या होगा, के सी होता है के वन अपॉन के टू या के एफ अपॉन के बी इक्वल टू क्या होता है बेटा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो बी प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। अब क्या करेंगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको, एक्स निकालना आपको तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा बेटा के वन इंटू ए माइनस के वन इंटू एक्स इक्वल टू के टू इंटू बी प्लस के टू इंटू एक्स हो गया बेटा, क्लियर। अब एक्स वाले टर्म एक साइड ले लो, एक्स निकाला ना तो इधर क्या बचेगा के वन ए माइनस के टू बी अपॉन, उधर जाएगा क्या होगा एक्स कॉमन ले लें तो आ जाएगा के वन प्लस के टू बेटा, ऐसे देखो ऑप्शन के वन ए माइनस के टू बी, फर्स्ट चेक करते हैं के वन ए माइनस के टू बी अपॉन के वन, फर्स्ट ही करेक्ट है बेटा, आई बात समझ में, ये तो सिंपल केस ही आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ पी सी एल थ्री एंड सी एल टू टेकन, इनिशियल आपका दोनों का सेम कंसेंट्रेशन का सॉल्यूशन है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम प्रेशर इफ 75% ऑफ पी सी एल थ्री इज कन्वर्टेड टू पी सी एल फाइव, और आपको रिएक्शन का केपी देखो ध्यान देना, आपके पास जो केपी है वो इस रिएक्शन का है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं हम, पी सी एल फाइव कन्वर्ट इंटू पी सी एल थ्री प्लस सी एल टू, इसका केपी है, इसका केपी आपको गिवन है 5 ATM, बट क्वेश्चन में आपको रिएक्शन जो दे रखी है वो ये इसके बारे में बात कर रहा है, तो जब भी रिएक्शन को इन्वर्स करते हैं केपी भी इन्वर्स हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, टी इक्वल टू जीरो पर कंसेंट्रेशन इक्विमोलर है और एल्फा 75% है, जब भी एल्फा होता हम क्या करेंगे इनिशियल मोल 1 ले लें बेटा 1100, टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे क्या होगा 1 माइनस कितना हो रहा बेटा एल्फा, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम प्रेशर, आपको इक्विलिब्रियम प्रेशर यानी पी निकालना है, तो 1 माइनस एल्फा 1 माइनस एल्फा 75% है ना, तो एक काम करते हैं 0.75% क्या हो गया 75/100 हो गया क्या, यानी 0.75 हो गया 1 माइनस 0.75, और ये 0.75 बनेगा बेटा, क्लियर, तो ये कितना बचा बेटा 0.25 0.25 0.75, ठीक, और 0.25 को लिखते हैं 1/4 1/4 1/3/4। अब आपको केपी के लिए क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, तो 1/4 अपॉन टोटल मोल कितने हो गए बेटा 1/4 + 1/4 + 3/4 5/4 हो गए क्या, इंटू टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है अपॉन 5/4 × P / 5/4 × P, तो के पी इक्वल टू क्या होगा बेटा दिस इंटू दिस अपॉन दिस, इसको हम यहीं सोल्व कर लें क्या, तो ये आपका हो गया बेटा 1/5 P, ये भी आपका हो गया 1/5 P, और ये आपका हो गया बेटा 3/5 P, क्लियर, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर लो 3/5 P अपॉन दोनों को डिवाइड कर दें 1/5 P, यानी 1/5 P इंटू ये आपका हो गया बेटा के पी, इसका 1/5 होगा,
तो इक्वल टू 1/5 कर देते हैं। सोल्व कर लें बेटा इसको, तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 5 से 5 कैंसिल, पी से पी कैंसिल हो रहा है बेटा, और फाइनली आपको करना है पी कैलकुलेट, तो पी कितना होगा 3 × 5 15, 15 × 5 यानी आपका हो गया 75 ऑप्शन में है क्या बेटा, बिल्कुल ऑप्शन में है, सेकंड आपका करेक्ट हो गया, क्लियर बेटा। तो सिंपल आपको केपी से करना, बस क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना है इसमें, अगर रिएक्शन के लिए इसके लिए गिवन, अगर इसका 5 ले तो मामला अलग आएगा बेटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा पैराग्राफ की, बात करते हैं पैराग्राफ पढ़ते हैं हम पहले, फर्स्ट पैराग्राफ में क्वेश्चन नंबर 11-12 है, लंडन फोर्स डिपेंड अपॉन द मोलर मास, बिल्कुल सही बात है, मोलर मास ज्यादा लंडन फोर्स या वैंडरवाल फोर्स का फर्स्ट टाइप ज्यादा होगा, नंबर ऑफ पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन्स एंड मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही है, उसे भी डिपेंड करेगा। फर्स्ट है विच टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन्वॉल्व इन द सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर, सोलिबिलिटी ऑफ गैस, नोबल गैस है बेटा, तो नोबल गैस क्या होती है बेटा, नॉन पोलर, नॉन पोलर एयर ध्रुवीय में क्या होता है बेटा भाई, जो नॉन पोलर है उसमें क्या होगा, इंड्यूस्ड डायपोल, क्या होगा, इंड्यूस्ड डायपोल होगा, क्योंकि पहले से नॉन पोलर है, डायपोल इंड्यूस होगा, प्रेरित द्विध्रुवीकरण, और दूसरा वाटर है, वाटर आप जानते हो क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है, तो क्या होगा पोलर में डायपोल, क्या होगा पोलर में, क्या होता है बेटा डायपोल, तो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, ऑप्शन क्या करना पड़ेगा, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, प्रेरित द्विध्रुव और द्विध्रुव, तो डायपोल पहला ऑप्शन है इंस्टेंटेनियस डायपोल, बिल्कुल रॉन्ग है, सेकेंड है डायपोल, डायपोल बिल्कुल रॉन्ग है, दोनों डायपोल नहीं है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, थर्ड आपका करेक्ट है बेटा, तो इसका आंसर क्या आएगा, थर्ड आ जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 है चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, ऑप्शन देखते हैं, शायद लंडन फोर्स की बात करा तो उसी से रिलेटेड होगा, तो देखो पहले ऑप्शन में तीनों के लिए क्या है, डायपोल मोमेंट जीरो, यानी सारे के सारे क्या है, नॉन पोलर है, तो क्या होगा मोलर मास से देख लेंगे, तो फर्स्ट का जो बॉइलिंग पॉइंट है इसका ऑर्डर आना चाहिए आपको का सी जी, मैक्सिमम जी का आना चाहिए, सेकंड एसआई का, तो ये तो पहला आपका कुछ और दिया हुआ है पेपर में तो रॉन्ग हो गया, सेकंड में तीनों नोबल गैसेज हैं तो मोलर मास से देख लो, जिनोन नियोन हीलियम, ज्यादा किसका, जिनोन का फिर नियोन, बिल्कुल बेटा सेकंड करेक्ट है इसके अंदर, ठीक है। थर्ड और देख लेते हैं एसई और एसटू में, देखो हीलियम का कम होगा क्योंकि इनर्ट गैस है, नोबल गैस है ना, तो एसटू का ज्यादा होगा, CH4 CD4 में क्या होगा बेटा, मोलर मास ज्यादा CD4 का, तो CD4 का होना चाहिए, बट यहाँ पे CH4 का दे रखा तो फोर्थ भी आपका गलत हो गया बेटा, यानी यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या करना है, प्रोपोर्शनल मोलर मास करना बेटा, इन केस सारे नॉन पोलर हो। पैराग्राफ 2 पढ़ते हैं, नोट डाउन करें आप, पैराग्राफ 2 की बात करते हैं, तो पैराग्राफ 2 में ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज ए नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड, NN बॉन्ड है बेटा, ठीक है, N2 है, N2S4 है, N2F2, तीन कंपाउंड है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स में भी पोलर और नॉन पोलर, बिल्कुल सही, हम डिटरमाइन कर लेंगे इजीली, दैट इज डिपेंडेड अपॉन द इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, बिल्कुल डेल्टा EN से डिपेंड करता है, डेल्टा EN ज्यादा, पोलरिटी ऑफ बॉन्ड ज्यादा बिटवीन टू एटम्स, द देयर बॉन्ड लेंथ की वैल्यू है बट नॉट इन करेक्ट ऑर्डर, ओके, ठीक है, हिंदी में बात को देगी, प्रत्येक यौगिक में NN बॉन्ड है, बिल्कुल सही है, ध्रुवीय अध्रुवीय दोनों हो सकते हैं, जो डेल्टा EN विद्युत ऋणता के अंतर पर निर्भर करेगा, बिल्कुल करेगा, और बंद लंबाई दे रखे, तो क्रम से मैं आपको दो कौन सा है, पहला क्वेश्चन है कंपाउंड हैव बीन मैच्ड विद देयर बॉन्ड लेंथ, कौन सा मैच है, विच इज नॉट द करेक्ट मैचिंग, कौन सा जो है वो करेक्ट मैच में नहीं है, तो आप देखो सोल्व करते हैं इसको, पहला ए आपका है N2, N2 में देखा जाए तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका बी हो गया 3, बी आपका N2S4 है, N2S4 यानी ये हो गया आपका बी ओ, NN जो बी ओ है बॉन्ड ऑर्डर है बंद क्रम है वो हो गया 1 हो गया बेटा, ठीक है। N2F2 की भी बात कर लेते हैं, सी
एन टू एफ टू, तो एन डबल बॉन्ड एंड एफ आएगा बेटा इस टाइप से, एक लोन पेयर होगा, यहाँ भी लोन पेयर होगा, ठीक है। एन के वैलेंस में 5 होंगे बेटा, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे सेव क्या आ जाएगी, इस टाइप से आ जाएगी थोड़ा सा। अब देखो पूछ क्या रहा है, बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है, तो हम जानते हैं बीएल प्रोपोर्शनल 1/बीओ, बीओ के इनवर्सली होता है। तो सबसे कम मैं बीओ 3 है, 1 है, और इसका कितना है, 2 है। तो बीओ ज्यादा, बीओ हाई होगा तो बीएल कम होगी। तो देखो वैल्यू से हम इसको मैच कर लेते हैं, अपने पास 3 वैल्यू बेटा, 1.45, 1.1 और 1.22। मैक्सिमम बीओ 3 है, तो इसका हो जाएगा सबसे मिनिमम आपका 1.1 आ जाएगी बेटा। फिर मिनिमम आपका हो जाएगा बीओ 1, बीओ मिनिमम, तो बीएल मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या है 1.45 इसकी हो जाएगी बेटा, और रिमेनिंग 1.22। तो मैच कर लो बेटा, ए के साथ 1.10 है क्या, ए आपका करेक्ट है, बी के साथ 1.45, बी भी करेक्ट है, सी के साथ 1.22, सी भी करेक्ट है, और इनकरेक्ट पूछना तो नन ऑफ दीज, क्या आएगा बेटा, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। क्लियर। 15 में बात करते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट है एन टू इज एन इनर्ट गैस एट रूम टेम्परेचर, ये तो करेक्ट है बेटा, ठीक है, बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड है और बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी तो इन रूम टेम्परेचर पे ब्रेक नहीं होंगे बॉन्ड। एन टू एफ टू एज एस पी टू हाइब्रिडाइज एन एटम, एन टू एफ टू में निकाल लीजिए बेटा, आउटर में कितने 5, बॉन्ड में 3 काम में आ गए, 2 यानी 1 लोन पेयर हो गया, सिग्मा कितने हो गए 2, 2 प्लस 1 क्या हो गया बेटा sp2, यानी सेकंड भी आपको करेक्ट है, इनकरेक्ट आपको टिक करना है। N2S4 इज इनर्ट सॉल्वेंट, N2S4 इनर्ट हो सकता है क्या, नो, बिकॉज ये पोलर बॉन्ड नहीं है, बट ये बॉन्ड तो क्या होगा, पोलर होगा ना बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और रिजल्टेंट 0 नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ये आपका रॉन्ग हो गया बेटा, तो 3 आपका इनकरेक्ट है, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 14 में आंसर आएगा 3। N2S4 इज यूज, बिल्कुल करेक्ट है बेटा, रॉकेट फ्यूल में यूज करते हैं। अब बात करते हैं पैराग्राफ 3 क्वेश्चन नंबर 15, पढ़ें एक बार। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर ऑफन कलर्ड आइदर ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांस, बिल्कुल सही बात है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर के 2 रीजन है, बट दीज फिनोमेना डू नॉट एंश्योर द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, कलर कौन सा है ये बिल्कुल करेक्ट है, पता नहीं कर सकते हम इन दोनों थ्योरी से। द ओनली श्योरिटी ऑफ कलर इज विजिबल रीजन स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, बिल्कुल सही है। उपसह संयोजी यौगिक डीडी संक्रमण या आवेश स्थानांतरण के कारण कलरफुल होते हैं, रंगीन होते हैं, परंतु ये घटनाएं संकुलों का रंग निश्चित नहीं करती हैं, केवल इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण का दृश्य स्पेक्ट्रम में ही रंग की निश्चितता है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्व लाइट इन 4000 to 7800 एंगस्ट्रॉम, यानी ये विजुअल रीजन में होगी, यानी कौन सा कलर शो करेगा। अब देखो कलर शो करने के लिए कंडीशन क्या क्या है, एक तो अनपेयर होना चाहिए, अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, तो हम चेक करते हैं किसमें अनपेयर है, हो सकता है एक ही ऐसा ऑप्शन, तो वही अपना काम चल रहा है। तो पहला है टीआई, पहला अगर ऑप्शन देखें TiEn4, तो Ti+4 है क्या इसमें, ON, En का 0 होगा, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, टाइटेनियम में D2S2 होता है बेटा, 4S2 3D2 होता है, +4 यानी 4 निकाल दीजिए, 4S0 3D0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं यहाँ पे, तो ये तो कलर प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता, तो फर्स्ट तो आ नहीं सकता बेटा, ठीक है। सेकंड है क्रोमियम +3 होगा, H2O का 0 होता है, तो क्रोमियम +3, क्रोमियम का 24 भी आता है ना, तो होता है 4s1 3d5, आप 2 3 मूव करो 3d3, यानी यहाँ पे तीनों के 3 इलेक्ट्रॉन बेटा अनपेयर है, तो कलर प्रोड्यूस होगा बेटा, तो आपका सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। थर्ड भी चेक कर लेते हैं, स्कैंडियम में अमोनिया है, H2S0 है, तो +3 होगा, स्कैंडियम +3 यानी D2S1, तीनों निकल गए, 0 हो गए इलेक्ट्रॉन, अनपेयर 0। जिंक +2 में D10S2 होता है बेटा, तो 2 है वैलेंसी, तो D10 बच गया, D10 मीन्स क्या हो गए, फुली फिल हो गया क्या, कोई अनपेयर है क्या, नहीं है ना बेटा, तो करेक्ट आपको होगा 2। 16 में क्या करना बेटा, द सेम मेटल आयन फॉर्म डिफरेंट कलर्ड कॉम्प्लेक्स, डिफरेंट लिगेंड के साथ अलग अलग कॉम्प्लेक्स हैं, चूज द करेक्ट मैच ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड देयर कलर्ड फॉर्म गिवन कोर्स, ठीक है। तो देखो ये जो कलर दिया वो कौन सा कलर, जो विजिबल कलर है, तो एब्जॉर्ब कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है, विजिबल। तो पहले हम क्या करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन को पहले जो कलर आपके पास है उनका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ढूंढना पड़ेगा, तो देखो ध्यान दो उसके लिए क्या ट्रिक है, देखो VIB विबजॉर, ठीक है,
तो कलर इसमें है ब्लू, ब्लू का जो कॉम्प्लीमेंट्री वो ऑरेंज, ऑरेंज आपके पास है। सेकंड ऑप्शन में ग्रीन है, ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री रेड है बेटा। थर्ड में येलो, येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा है, वॉयलेट है। रेड का कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीन है, ये आपके कलर है। ठीक, इनको विबजोर के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो पहले आएगा वी, वी के बाद आएगा बी नहीं है, आई नहीं है, जी है, जी लिख दीजिए, फिर वाई नहीं है, ओ है, ओ आर। अब देखो विबजोर के अकॉर्डिंग क्या होगा, स्ट्रोंग लिगेंड इधर कौन सा आएगा बेटा, एब्जोर का स्ट्रोंग, उधर क्या होगा वीक लिगेंड आएगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रोंग में एनर्जी ज्यादा होती है और इधर क्या होता है लेमडा कम, भाई लेमडा का विबजोर जो क्या है बेटा, लेमडा का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो लेमडा का ऑर्डर इंक्रीजिंग होगा तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी बेटा, कम होगी, तो एनर्जी भी क्या होगी बेटा, कम होगी। तो एनर्जी डिग्री स्ट्रोंग लिगेंड एब्जोर्व करेगा वॉयलेट को, यानी स्ट्रोंग टू वीक आपका ऑर्डर आएगा। अब देखो स्ट्रोंग इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रोंग कौन सा है, एन एच थ्री एफ और एच टू सी एन, सी एन माइनस आपका स्ट्रोंगेस्ट है, तो वो आपका वी वॉयलेट को एब्जोर्व करेगा और उसका कॉम्प्लीमेंट्री आपको विजुअल होगा। तो वी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, येल्लो, यानी येल्लो वाला सी एन माइनस वाला कॉम्प्लेक्स का होगा येल्लो। देखो सी एन माइनस वाले कॉम्प्लेक्स का येल्लो से मैच करना है, यानी डी को मैच करना है येल्लो से, तो डी का थर्ड, डी का आपका आएगा बेटा थर्ड, क्या आएगा डी का थर्ड। डी का थर्ड आपका कौन कौन से ऑप्शन में है, डी का थर्ड आपका फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है, तो ऑप्शन आपका या तो टू करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है बेटा, क्लियर। फर्स्ट और फोर्थ हम देखेंगे नहीं। अब आगे आ जाइए, सबसे स्ट्रॉन्ग सी एन हो गया, उसके बाद अगर ऑर्डर देखें तो एच टू ओ एफ और अमोनिया, उसके बाद अमोनिया आएगा, तो अमोनिया की बात करें तो नेक्स्ट आपका उससे जस्ट स्ट्रॉन्ग क्या के जस्ट वीक क्या, अमोनिया। अमोनिया क्या करेगा बेटा, ग्रीन तो एब्जॉर्व करेगा और ग्रीन का जो कॉम्प्लीमेंट्री है रेड, रेड आपको विजिबल होगा, तो अमोनिया मैच हो रहा है रेड से, अमोनिया मैच हो रहा है रेड से, यानी आपका ए मैच हो रहा है फोर्थ से बेटा, ए मैच हो रहा है फोर्थ से, चेक करो बेटा ए मैच फोर्थ सेकंड में या थर्ड में है, ए के साथ फोर्थ बेटा दोनों में है। ठीक है, अभी तक क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ है। थर्ड की बात करें तो अमोनिया के बाद आपका आएगा जो ऑप्शन है अपने पास एच टू और एफ में, जस्ट एच टू आएगा, तो एच टू है, एच टू ऑब्जर्व करेगा किसको बेटा, ऑरेंज को, ऑरेंज को ऑब्जर्व करेगा तो विजिबल क्या होगा, ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री, ऑरेंज कॉम्प्लीमेंट्री ब्लू होगा, तो एच टू ओ मैच होगा ब्लू से, एच टू ओ ब्लू से मैच कराइए बेटा, यानी सी मैच होगा आपका वन से, सी मैच करना है बेटा वन से, सी वन सेकेंड में या थर्ड में है बेटा, सी वन आपका सेकेंड में है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन क्या होगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। आइए बेटा वास्तव में इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसके बाद पैराग्राफ नंबर फोर पढ़ते हैं, नोट डाउन करो आप। पैराग्राफ फोर आपका गिवन है PCl5 से, PCl3 और Cl2 रिएक्शन है, Kp है, Kc निकालना है, तो अप्लाई कर दो बेटा Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng क्या होता है, सम ऑफ गैसियस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट माइनस प्रोडक्ट माइनस, क्या करते हैं बेटा रिएक्टेंट करते हैं। तो 17 की बात करेंगे, 17 में केपी गिवन है रिएक्शन के लिए, केसी पूछ रहा है, तो केपी इक्वल टू क्या होगा बेटा, केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी, क्या है बेटा 2 माइनस 1 1 है, तो केसी क्या हो गया, केपी यानी वैल्यू क्या है 11.5 अपॉन आरटी, आर की वैल्यू कितने बेटा, आर 1/12 ले लेते हैं, और टी आपका है 573, इसको आप सोल्व कर लेंगे बेटा तो अप्रोक्सीमेट 50 ले लें क्या, ठीक है 50 ले लेंगे तो आपको जाएगा 0.2 के आसपास आएगा, 0.2 का ऑप्शन है क्या, फर्स्ट नहीं सेकेंड नहीं फोर्थ आपका करेक्ट हो गया, क्लियर बेटा। सेकेंड है व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, तो आपके पास केसी आ गया है ना, केसी 0.244 है, केसी क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की दोनों 0.01 इंटू 0.01 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 10^-4/10 हो जाएगा, यानी आपका जो आंसर क्या आएगा बेटा
1.25 यानी 4 पॉइंट समथिंग इंटू 10 एस्ट पावर माइनस 4 आ जाएगा। 4 पॉइंट समथिंग माइनस 4 यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, पैराग्राफ 5 पढ़िए एक बार। इसमें पीएस का फॉर्मूला है बेसिक बफर का एसिडिक का, और एडिशन ऑफ लिटिल एसिड ऑफ बेस शो नो एप्रिसिएबल चेंज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस। बिल्कुल सही, बफर होता क्या है, रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। ठीक है, तो इसमें पूछ क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। 19 पे आ जाइए बेटा, 19 पढ़िए। 19 द अमाउंट ऑफ अमोनियम सल्फेट टू बी एडेड टू 5500 ml ऑफ 0.01 अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। पी के है बेटा, पीएच दे रखा है। तो देखो NH4OH के है, डब्ल्यू बी है, तो इट मीन्स डब्ल्यू बी और H2S बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू बी ऐसे है, यानी आपका बेसिक बफर है। क्या है बेटा, बेसिक बफर है। क्लियर। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है, अमोनियम सल्फेट का अमाउंट पूछा, तो रिएक्शन आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। रिएक्शन लिखिए आप, तो क्या होगा, एसिड लेंगे H2SO4। रिएक्शन में यहाँ लिखता हूँ H2SO4 प्लस 2NH4OH होगी, इससे बनेगा अमोनियम सल्फेट प्लस 2H2O। अब क्या हो रहा है इसमें, अमाउंट ऑफ अमोनियम सल्फेट टू बी एडेड टू, ये एक काम करते हैं, इसमें तो सीधा डायरेक्ट पूछा तो रिएक्शन की जरूरत नहीं है आपको, तो लगा लीजिए पीएच इक्वल टू क्या होगा एसिडिक के लिए, पी के ए प्लस लोग सोल्ट अपॉन पीएच इक्वल टू, सॉरी डब्ल्यू बी बेसिक बफर है, तो पीओएच इक्वल टू, बेसिक के लिए लगाइए फॉर्मूला पीओएच इक्वल टू, पी के बी प्लस लोग सोल्ट अपॉन बेस। वैल्यू पुट करो बेटा, आपको सोल्ट की NH4 प्लस की कंसेंट्रेशन आपको निकालनी है यहां से, ये वाली कंसेंट्रेशन। ठीक बेटा, तो देखो अगर इसकी कंसेंट्रेशन सी है ना, तो इसकी क्या होगी 2C, क्या होगी 2C। तो देखो सोल्व करते हैं, POH कितनी है, pH 8.6 है, तो POH क्या होगी 14 माइनस 8.6, पी के ए दिया हुआ, तो पी के बी क्या होगा 14 माइनस पी के, यानी 14 माइनस 9.26 होगा कि नहीं होगा, प्लस लोग कंसेंट्रेशन 500 ml है। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या ऑप्शन में मोल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मोल, और वॉल्यूम 500 है ना, तो दोनों के मोल ले लेते हैं हम, वॉल्यूम कितना जाएगा इसके, मोल क्या मान लेते हैं हम, एक्स मोल मान ले बेटा, क्या मान लेते हैं एक्स मोल, या एक काम करते हैं इसके मोल अगर एक्स है ना, तो इसके मोल कितने होंगे 2x होंगे कि नहीं होंगे, अमोनियम सल्फेट के एक्स मोल में अमोनियम प्लस के 2x मोल होंगे, अपॉन NH4OH के मोल कितने होंगे m इंटू वी 0.05 इंटू 500 ml को लीटर में करने के लिए 1.5 हो गया है क्या, बोलो। तो यहाँ से हम सोल्व करके 2x निकालेंगे, एक 14 कैंसिल हो गया, 9.26 माइनस 8.26 1 हो गया क्या, 1 इक्वल टू log 2x, और ये हो गया 5 माइनस 3। अब log की वैल्यू किसकी बेटा, 10 की वैल्यू, भाई आपका हो गया 8.26 9.26 यानी 1 हो गया, तो ये 10 हो गया आपका, 2x अपॉन 5 माइनस 3 क्या हो गया 10, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से क्या कर लीजिए बेटा सोल्व, 2x इक्वल टू 5 इंटू 10 एक्स पर माइनस 2 हो गया क्या, बोलो। तो x क्या हो गया बेटा 2.5 इंटू 10 एक्स पर माइनस 2 यानी 0.025 मोल आंसर आ गया आपका, यानी कौन सा करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर बेटा। थर्ड में पूछ रहा है NaOH का वॉल्यूम कितना ऐड करें टू प्रिपेयर ए बफर ऑफ pH, 4.74 वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको रिएक्शन करवानी पड़ेगी, तो रिएक्शन मैंने लिख दिए, एक बार नोट डाउन करें, वापस इसको हम रिएक्शन लिखते हैं, 20 सोल्व करेंगे हम। रिएक्शन करवानी है अपने को, क्योंकि NaOH कितना ऐड करिए पूछ रहा है। ठीक है, और एसिडिक एसिड में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि NaOH रिएक्शन किससे करेगा, एसिडिक एसिड से करेगा, तो CH3COH प्लस NaOH क्या बनेगा, गिव्स टू सोडियम एसीटेट एंड H2O।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है। एसिटिक एसिड का वॉल्यूम 50 ml है, कंसेंट्रेशन 0.2 है, यानी आपका हो गया 10 हो गया बेटा, मिलीमोल 10 हो गए, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ 0.25 NaOH प्रिपेयर बिफोर OPH, टोटल वॉल्यूम 50 ml है ना, तो इसकी मोलरिटी, इसका जो 0.2 m NaOH है, 0.2 m आपका हो गया, और V आपको डिटरमाइन करना है, ml ले ले, और ये आपका सोडियम एसिटेट पहले से, आपका देखो क्वेश्चन पढ़े तो सोडियम एसिटेट पहले से जीरो है, क्लियर बेटा। अब बफर कब बना होगा, जब ये खत्म हो जाएगा, इट मीन्स 10 माइनस 0.2V, 0.2V माइनस 0.2V और एक जगह 0.2V, क्लियर। टोटल वॉल्यूम जो भी होगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बोलो pH, भाई ये खत्म, क्या बचा आपके पास WA, और ये बचा WASB सोल्ट बचा, यानी एसिडिक बफर हो गया। तो एसिडिक बफर की pH क्या होती है बेटा, pH इक्वल टू pKa प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। pH की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, 4.74 गिवन है, pKa आपके पास है क्या, pKb है, तो आप क्या कर लोगे, 14 माइनस pKb कर दो तो pKa आ जाएगा, प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितना बेटा, 0.2V अपॉन 10 माइनस 0.2V, कोई दिक्कत बेटा, क्लियर। अब क्या करेंगे, सोल्व कर लें तो 9.26 या आपका 4.74, यानी तो इसको अगर सोल्व कर तो ये आएगा 4.74, जीरो हो गया। अब इट मीन्स हो गया जीरो इक्वल टू log 0.2V अपॉन 10 माइनस 0.2V, log जीरो किसकी वैल्यू होती है, वन की होती है ना, तो 0.2V अपॉन 10 माइनस 0.2V कितना हो गया, वन हो गया। तो पॉइंट सोल्व करें तो 0.4V इक्वल टू 10 हो गया, तो V इक्वल टू हो गया 100 बाई 4 × 25, और ml में ही लिया था हमने, तो ml में ही आएगा बेटा, क्लियर। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, क्लियर बेटा। अब बात करते हैं हम सेक्शन बी की, नोट डाउन कर लो, सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं हम, अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपका 1 भी करेक्ट हो सकता है, मोर देन 1 भी करेक्ट हो सकता है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है N3- कि लुई संरचना में अलग अलग परमाणु पर औपचारिक आवेश, फॉर्मल चार्ज ऑन डिफरेंट एटम इन द लुई स्ट्रक्चर ऑफ N3-। तो N3- की स्ट्रक्चर क्या क्या पूछ रहे, देखो तो नेट चार्ज -1 आना चाहिए, नेट क्या होना चाहिए, -1, तो देखो ये पॉसिबल हो सकती है आराम से, +1 ये -1, क्योंकि N के वैलेंसी में 5 होते हैं, +1 मीन्स 4 बचे, तो 4 वैलेंसी हो गई बेटा, एक आ गया तो 6 हो गया आउटर में, यानी सिमिलर टू ओ एटम हो गया ना, तो ओ ऑलवेज फॉर्म डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड फॉर्म कर लिए। तो यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, यहाँ -1 है, -1 +1 -1 प्लस, फर्स्ट आपका करेक्ट है, सेकंड में -1 + 1 जीरो, नेट जीरो हो गया, तो सेकंड तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। थर्ड में -2 + 1, नेट क्या हो रहा है, -2 + 1 जीरो, तो -1 हो रहा ना, तो देखो इसको चेक करते हम और क्या क्या पॉसिबल है, अगर स्टेप से मैं फॉर्म कर दूं n सिंगल बॉन्ड n, या -2 कर दें, ठीक है, और इसके अलावा -2 + 1 करना है तो 4 बॉन्ड बनाएगा, तो -2 + 1 इस पर जीरो, ये पॉसिबल है कि नहीं है। N-2 यानी क्या बन गया, फ्लोरीन बन गया क्या, N-2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो नाइन आउटर में 7 फ्लोरीन ऑलवेज सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, N+1 यानी कार्बन बन गया, 4 वैलेंसी है, ये जीरो हो गया, तो -2 + 1 और जीरो भी पॉसिबल है, तो -2 + 1 जीरो थर्ड आपका हो सकता है। फोर्थ चेक कर लेते हैं, -2 + 1 जीरो, -2 बिल्कुल एक ही बात है ये तो, ठीक है, तो फोर्थ भी आपका करेक्ट है, तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, 1, 3 और 4, क्लियर बेटा। नेट इन सब का सम करेंगे तो -1 आना चाहिए, तो -2 + 1 क्या हो गया बेटा, -1 हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव सेम शेप, शेप सेम होनी चाहिए, देखो आप सबकी शेप निकाल लेते हैं हम। पहला एग्जाम्पल क्या है इसमें, SF4, क्या है बेटा, SF4 है, SF4 में क्या होगा, सल्फर के आउटर में कितने होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन, 6 होते हैं, बॉन्ड में काम आएंगे बेटा 4, ठीक है, कितने बचे हैं 2, तो बोले तो एक लोन पेयर सिग्मा कितने हो गए, 4 + 1, अगर सिग्मा प्लस लोन पेयर का कॉम्बिनेशन सेम है तो शेप सेम होगी, तो 4 + 1 हो गया, तो एक क्या क्या होता है ये बेटा, 4 + 1 की शेप क्या होती है, सीसो फोल्डेड, ठीक है, या डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। सेकंड देखें XeF4,
XEF4 की बात करें तो जीनोन के आउटर में 8 होते हैं, बोन में कहाँ आएंगे कितने बेटा, 4 ही कहाँ में आएंगे ना, तो आउटर में 4, 6 में से 4 काम में आ गए, कितने बजे 4 बोले दो, आउटर में 8 होते हैं जीनोन के, 4 काम में आ गए कितने बजे, 4 बोले दो, 2 लोन पेयर, 4 सिग्मा 2 लोन पेयर, क्या हो गया बेटा स्क्वायर प्लेनर हो गया, तो फर्स्ट और सेकेंड की सेम तो नहीं है। थर्ड चेक करो बेटा, AsO4 माइनस AsF4 माइनस, ठीक है, आर्सेनिक कौन से में आता है बेटा, 15 में आता है, तो आउटर में 5 होंगे, ठीक है आउटर में 5 होंगे, और टोटल बॉन्ड कितने हो गए भाई, देखो AsF3 है यानी आपको हो जाएगा ये 4+1, क्या हो जाएगा 4+1 हो जाएगा, कैसे हो जाएगा देखो ध्यान दो, F माइनस तो क्या बनाएगा कोऑर्डिनेट बनाएगा, ठीक है आउटर में कितने होते आर्सेनिक के 5, बॉन्ड में कितने हो गए 3, 2 बोल तो 1 लोन पेयर, सिग्मा कितने 4+1, तो 4+1 पहले आ चुका ना, यानी आपका फर्स्ट और थर्ड आपका मैच हो रहा है, फर्स्ट मैच हो रहा है और थर्ड का सेम हो रहा है। फोर्थ भी चेक करें बेटा, SnCl3 माइनस, तो SN के आउटर में 4 और Cl माइनस क्या बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है 4 में 2 काम में आ गए, 2 से 1 लोन पेयर यानी आपका 3+1 हो गया, तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया, तो करेक्ट आंसर होगा आपका फर्स्ट और थर्ड, आई बेटा बात समझ में, तो सिग्मा और लोन पेयर का कॉम्बिनेशन सेम है तो सेफ सेम आएगी बेटा। थ्री पढ़ते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन कौन से करेक्ट ऑर्डर है, ठीक है पहला है देखो Fe+3 एक्वस की जो आयनिक मोबिलिटी है वो ज्यादा होगी Fe+2 से, तो Fe+3 का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, साइज कम होगी तो हाइड्रेशन ज्यादा, हाइड्रेशन ज्यादा तो हाइड्रेटेड आयन की रेडियस ज्यादा होगी बेटा, और ज्यादा रेडिएशन साइज बढ़ जाएगी ओवरऑल, तो कंडक्टिविटी और मोबिलिटी कम हो जाएगी, Fe+3 की ज्यादा दे रखी है, तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट है, थर्ड का फर्स्ट आपका इनकरेक्ट है। सेकंड देखें, Br-Cl-F- हाइड्रेटेड रेडियस बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि एफ माइनस की साइज सबसे कम, साइज सबसे कम तो हाइड्रेशन ज्यादा, और हाइड्रेशन ज्यादा तो हाइड्रेटेड आयन की रेडियस क्या होगी बेटा ज्यादा, तो सेकंड आपका करेक्ट है, ठीक है। MH बॉन्ड पोलरिटी, MH बंध ध्रुवीयता, तो देखो SbS3 या नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया है, इसमें है क्या AsS3 और SbS3, फॉस्फोरस की EN 2.1 होती है, H की भी 2.1 होती है बेटा, तो डेल्टा EN 0 हो गया यहाँ, तो ये तो सबसे कम हो जाएगा, अब यहाँ EN देखो टॉप टू बॉटम ON EN डिक्रीज तो होगी, पर डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस तो इंक्रीज हो गया ना, जैसे ओवन की वैल्यू में चेंज आएगा तो डिफरेंस इंक्रीज, तो मैक्सिमम क्या आएगा SbS3, फिर आएगा AsS3, चेक करो ये दिया हुआ है क्या, SbS3 AsH3 PS3, बिल्कुल बेटा थर्ड भी करेक्ट है आपका, क्लियर बेटा, पोलरिटी ऑफ बॉन्ड क्या होता है डेल्टा EN, ठीक। SCHBEN, EN देखो SCHB, क्लियर, सल्फर की ज्यादा होती है कार्बन से 2.5, 2.5 पर ज्यादा किसकी होती है नॉन मेटल की सल्फर की, एस की 2.1 होती है, बोरोन की लिथियम बेरिलियम बोरोन, लिथियम की 1, बेरिलियम की 1.5, बोरोन की 2, तो आपका क्या ऑर्डर जाएगा बेटा SCH और B SC, बिल्कुल बेटा फोर्थ भी करेक्ट है, क्लियर बेटा बात समझ में आ गई क्या, ठीक है तो आपका आंसर आएगा सेकेंड, ठीक है बेटा थर्ड एंड फोर्थ, क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, लंदन फोर्स वर्क कर रहा है, गैसियस फेज बिल्कुल इनर्ट गैस पे लगता है, लिक्विड स्टेट I2, सॉरी I2 तो सॉलिड है, Br2 लिक्विड है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल लिक्विड भी हो सकता है, ब्रोमीन है जैसे सॉलिड में I2 सॉलिड होता है, तो तीनों फेज में अप्लाई होगा, मीन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड, क्या आएगा फोर्थ का आंसर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आंसर, मैंने एग्जाम्पल समझा दिया आपको, गैसियस स्टेट का नोबल गैसेस, लिक्विड स्टेट का ब्रोमीन मॉलिक्यूल, सॉलिड स्टेट का आयोडीन सॉलिड, क्लियर। 5 की बात करें, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन कौन से आइसोमेरिज्म शो करता है, तो आयोनाइजेशन देखो चेक करते हैं, आयोनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, प्रोड्यूस प्रोड्यूस डिफरेंट आयन इन वाटर, क्या होता है प्रोड्यूस डिफरेंट आयन इन वाटर, तो देखो कौन कौन से आयन बनेंगे, फाइव में है बेटा कॉम्प्लेक्स है CO,
HCN2 NH3 4 Cl। तो वाटर में क्या क्या प्रोड्यूस हो सकता है बेटा, यहाँ पे कैटाइन और यहाँ पे एनाइन। अब देखो अगर मैं इसको इस टाइप से हम लिख दें, तो यहाँ प्लस या माइनस, तो डिफरेंट डिफरेंट आयन बन गए। इट मीन्स आपका फर्स्ट करेक्ट है, इसमें आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करता है बेटा, ठीक। जी आई की बात करें तो ये आपका कॉम्प्लेक्स हो गया MA4B2 हो गया, और MA4B2 में क्या होगा, 6 है तो ऑक्टाहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, जी आई शो करेगा, बी के सामने बी लगा देते हैं, तो आपका तो एक तो ये जी आई बन गया, एक बी के सामने आप एक लगा दो, और तो कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो नहीं रहा इसमें। एक बार बी के सामने बी लगा दीजिए, एक के साम और एक बार बी के सामने ए लगा दो, भाई क्या बता बेटा, 3 ए बच गए और 1 बी बच गया, तो इसके 2 जी आई हो गए बेटा, और 2 पेयर सेम हो गए। पी ओ एस प्रेजेंट है इसके अंदर, पी ओ एस प्रेजेंट है तो क्या होगा, ओ आई शो करेगा नहीं, ठीक है, तो जी आई शो कर रहा है बेटा, जी आई शो कर रहा है, तो ये देखकर जी आई शो करता है, तो सेकेंड भी आपका इसमें करेक्ट हो गया, क्लियर। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, तो 3 आपका इनकरेक्ट हो गया। लिंकेज बिल्कुल, HCN क्या है, एम्बीडेंटेड लिगेंड है, तो आपका शो करेगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, फर्स्ट हुआ बेटा, सेकेंड और फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, क्लियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, कंसिडर द फॉलोइंग कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ठीक है, TCCO6 प्लस है और नियोबियम CO6 माइनस है, ठीक है, तो कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन में देखना आपको RO और OA, तो RO और OA के लिए पहले हम निकालते हैं इसका EAN, क्या निकालते हैं EAN, तो पहले एटॉमिक नंबर की लिख लेता हूँ एक बार, यारी जरा निभाना मौत तक, ठीक है, ये हो जाता है 39, 40, 41, 42, 43। तो पहला कॉम्प्लेक्स आपके पास TCCO6 और चार्ज है बेटा प्लस TC। अब इसका EAN निकालें, तो EAN क्या होगा, एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा इसका, 43 माइनस Z कितना है बेटा, 43 माइनस ON, वो फॉर्मूला क्या होता है, Z माइनस ON प्लस 2 इंटू CN, तो Z 43, ON कितना बेटा इसका, 0 होगा, CO का 0 होगा कि नहीं होगा, तो X माइनस 0 प्लस 1 तो प्लस 1 आएगा, प्लस 2 इंटू CN कितने बेटा, 6 है, तो कितना हो गया बेटा, 42 प्लस 12 54, यानी नोबल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स स्टेबल कब होंगे, जब उनका EAN नोबल गैस के इक्वल आए, इसके नियरेस्ट नोबल गैस 56 है ना, तो स्टेबल तो नहीं है, ठीक है, और स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है, OA करता है, तो ये तो वर्क करेगा OA का, क्लियर। सेकेंड में देखते हैं क्या है, नियोबियम NbCO6 माइनस, नियोबियम का एटॉमिक नंबर कितना बेटा, 41 है क्या, तो 41 माइनस चार्ज क्या होगा, X माइनस 0 इक्वल टू माइनस 1, तो ओवन हो गया माइनस 1, प्लस 2 इंटू CN कितने बेटा, 6 है, तो 40 प्लस 12 कितना हो गया, 52। अब ये भी 56 के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, तो ये भी वर्क करेगा OA का, यानी बोथ विल वर्क एज ए OA फॉर अटेन स्टेबिलिटी। तो फर्स्ट वर्जन बेटा, फर्स्ट में है TCCO6 एक्ट एज RA, बिल्कुल गलत है, सेकेंड एक्ट एज RA, इसमें कोई है नहीं बेटा, तो फर्स्ट भी इनकरेक्ट है, सेकेंड भी इनकरेक्ट, क्लियर। उसमें पूछ रहा है, क्वेश्चन भी पढ़ लेना ध्यान से, क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट इनकरेक्ट, तो आपका यानी आपका फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकेंड इनकरेक्ट, इनकरेक्ट आएगा आंसर, है ना। NbCBO इन दिस इज ग्रेटर देन, तो अगर हम बात करें तो होता क्या है, इसमें मेटल है और CO लिगेंड क्या होता है, स्टेप्स होता है कि नहीं होता है, अब ये कैसा होता है, लेकिन पाई एसिड लिगेंड कैसा होता है, पाई एसिड लिगेंड क्यों बोला, बिकॉज जनरल लिगेंड लोन पेयर देता है, जैसे मान लो दे गए सी के आउटर में कितने होते हैं बेटा, 4, 2 काम में आ गए, ये लोन पेयर देता है, ठीक, बट इसमें क्या होता है, पाई एसिड, यानी ये लेविस एसिड का काम भी करेगा, जनरल लिगेंड लोन पेयर देता है, लेविस बेस होता है, पर ये क्या होगा, मेटल के पास जो लोन पेयर होंगे ना, वो इसके ABMO में, किसमें बेटा, ABMO में, CO के ABMO में डोनेट हो जाएंगे, यानी लिगेंड लोन पेयर दे रहा है, इसलिए क्या नाम आया, एसिड, और पाई क्यों लिखा, बिकॉज ये कौन सा, फर्स्ट ओवरलैपिंग इज ऑलवेज एक्सियल, तो सेकंड क्या होगी, पार्शियल, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पाई एसिड लिगेंड, ठीक।
अब मेटल के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो क्या होगा, डोनेट ज्यादा करेगा ना। इट मीन्स इससे क्या हुआ, मेटल CO BO तो बढ़ गया और CO जो BO है वो क्या हो गया बेटा, C और O के बीच का BO क्या हो गया, डिक्रीज बिकॉज ऑफ दिस। इसका नाम भी क्या, सिनर्जिक बॉन्ड है बेटा। ठीक, अब पढ़ते हैं पूछ क्या रहा है। NBC बॉन्ड ऑर्डर NBCO इज ग्रेटर देन TCC। तो देखो NB में नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डोनेट ज़्यादा करेगा, तो बिल्कुल सही बात है। MCBO इसमें ज़्यादा होगा इसमें कम होगा, तो थर्ड आपका करेक्ट है बेटा। ठीक है, स्टेटमेंट देख रहा हूँ मैं कौन सा राइट या रोंग है, या पहले हम बात करते हैं ये राइट है ये दो रोंग है बेटा। फोर्थ, CO बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर होगा। CO बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो ये बॉन्ड ये वाला BO बढ़ेगा तो इसमें ये वाला BO कम होगा, तो CO जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या होगा, इसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है बेटा, CO इसमें बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर इन NBCO। देखो इसमें ये दे रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, ये BO बढ़ा तो ये घट गया, तो इसमें CO जो BO है सॉरी CO वाला BO इसमें कम होगा, क्या होगा बेटा, कम होगा, और ऑप्शन में ज़्यादा है। इट मीन्स ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट आप क्या हो गया, फर्स्ट फोर और फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ। क्लियर बेटा, बात समझ में आ गई। सेवन पढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। वीक लिगेंड यूजुअली फॉर्म लो स्पिन। लो स्पिन कौन से बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग बनाएंगे ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होगा तो ही तो क्या होगा, पेयरिंग होगा, पेयरिंग होगी तो ही क्या होगा, स्पिन कम आएगा। तो फर्स्ट आपका हो गया बेटा इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जनरली फॉर्म हाई स्पिन, बिल्कुल उल्टा हो गया। स्ट्रॉन्ग लिगेंड से पेयरिंग होगी तो लो स्पिन बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग लो स्पिन वीक हाई स्पिन, तो दोनों स्टेटमेंट उल्टे बोल रहे हैं, तो दोनों रॉन्ग हो गए बेटा। Fe F6- हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, फ्लोरीन कैसा है बेटा, वीक है, वीक क्या बनाएगा, हाई स्पिन, करेक्ट है बेटा। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है, मीन्स राइट है। NiCO4 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग करेगा तो लो स्पिन में आएगा, तो लो स्पिन यानी ये भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब देखते हैं करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है स्टेटमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स, गलत कौन से हैं, गलत कौन कौन से है, फर्स्ट है बेटा, सेकेंड और फोर्थ। क्लियर, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऑलवेज इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बिल्कुल रोंग है। तो फर्स्ट आपका रोंग है बिकॉज एंडो के लिए इंक्रीज होता है, एक्जो के लिए डिक्रीज होता है, हम जानते हैं। डिजोल्यूशन ऑफ गैस इन वाटर एट हाई एट लो टेम्परेचर, गैस वाटर में अगर डिजोल्व हो रही है तो इट मीन्स प्रोसेस कैसा है, गैस का वाटर, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस क्या है बेटा, एक्जो, क्या है, एक्जोथर्मिक। तो क्या होगी, हाई लो टेम्परेचर पे जनरली ज्यादा होगा, बिल्कुल सही है, लो पे ज्यादा होगा, तो सेकंड आपका करेक्ट है। इंट्रोडक्शन ऑफ इनर्ट गैस इन द गैसियस रिएक्शन डेल्टा एन जी जीरो एट इक्विलिब्रियम कीपिंग प्रेशर कॉन्स्टेंट नो, बिल्कुल सही, डेल्टा एन जी जीरो होगा तो रिएक्शन क्या होगी, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है, किधर मूव करती है एक्चुअल में, जिधर मोल ज्यादा होते हैं, बट यहाँ तो इक्वल है तो इसलिए मूवमेंट नहीं होगा, इट मीन नो इफेक्ट। तो आपका थर्ड भी आपका करेक्ट है। फोर्थ है, द लार्जर वैल्यू ऑफ के इंडिकेट द प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, बिल्कुल करेक्ट है। के क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, के ज्यादा पी ज्यादा बेटा। ठीक है, तो आपका फोर्थ भी स्टेटमेंट राइट, यानी ये रॉन्ग हो गया या ये हम बात करें ये फॉल्स हो गया और तीनों ट्रू हो गए। तो पूछ क्या रहा है बेटा, ये करेक्ट पूछ रहा है, तो आपका आंसर क्या आएगा, सेकंड थर्ड और फोर्थ। क्लियर बेटा। 9 बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बफर, बफर क्या होता है, WA प्लस WSB का सोल्ट या WB प्लस WBSA का सोल्ट। तो पहला चेक करते हैं, NH4Cl NH4OH, तो NH4OH क्या होता है, WB होता है क्या, प्लस NH4Cl क्या होता है, WBSA, तो ये कैसा है, बेसिक बफर है, यानी आएगा बेटा ये फर्स्ट काउंट होगा। पूछ क्या रहा है बेटा,
बफर कौन सा, ये पूछ रहे। तो फर्स्ट है सेकंड CH3COOH, बताइए क्या है, वीक एसिड है प्लस सोडियम एसीटेट, WASB का सोल्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, सोडियम एसीटेट। थर्ड ऑप्शन क्या है, सोडियम एसीटेट WASB का सोल्ट है, WA+SB का सोल्ट है, NaCl SASB का सोल्ट है, कोई मतलब नहीं बेटा, ये बफर होता ही नहीं है। ठीक, फोर्थ बोरेक्स प्लस बोरिक एसिड, ठीक है, बोरिक एसिड WA हो गया और बोरेक्स इसका सोल्ट हो गया स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो WA WASB सोल्ट फोर्थ भी आपका आएगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। क्लियर बेटा, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, 10 पढ़िए बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, द pH ऑफ 10H1-8M HCl सॉल्यूशन इज 8, बिल्कुल रॉन्ग है बेटा, क्योंकि 10H1-8M HCl अगर pH अगर 8 कर देंगे तो 8 तो बेस की हो गई ना, सबसे ज़्यादा बेस की और एसिड है, तो इस केस में क्या करते हैं, नेट एस प्लस जो आता है वो आता है HCl का प्लस ये -7 किसका लेंगे, वाटर का भी ऐड कर देंगे। क्लियर, तो जैसे ही एस प्लस क्या जाएगा, इसमें कॉमन क्या ले लें बेटा, 10^-8 ले लें क्या, तो क्या होगा 1+10 यानी 11 × ये आपका हो गया, तो pH देखो इस केस में क्या हो जाएगी, 7 − log 1, 7 से जस्ट कम आएगी बेटा। ठीक, तो फर्स्ट आपका गलत है, इनकरेक्ट। सेकंड, कॉन्जुकेट बेस ऑफ H2PO4-, कॉन्जुकेट बेस, इसका कॉन्जुकेट बेस निकालना नहीं है, खुद एसिड है तो एसिड क्या करता है, H+ देता है, तो क्या बनाएगा, HPO4-2, ये इसका कॉन्जुकेट बेस हो गया, तो इसमें क्या दिया हुआ है, HPO4-2 ये दिया हुआ है, इट मीन सेकंड आपका करेक्ट है। ऑटो प्रोटोलिसिस कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर, क्या होता है ऑटो प्रोटोलिसिस, H+ OH-, ठीक है, क्या होता है, H+ और OH- होता है। ठीक है, तो जैसे ही टी बढ़ेगा बढ़ जाएगा डिसीशन, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनोप्रोटिक एसिड WA है और WA+, और इसको देखो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, ऑटो प्रोटोलिसिस का मतलब क्या होगा, 2H2O, एक तो देगा H+ देगा और एक H+ लेगा, यानी एक लेगा और एक देगा, ठीक है, हालांकि दोनों एक सी है, देखो ध्यान दो, इसको 2 से कर देंगे तो H+ H3+ के फॉर्म में रहता है ना, बात वही है। फोर्थ बात करें, व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनोप्रोटिक एसिड इज टाइटरेटेड अगेंस्ट ए स्ट्रॉन्ग बेस एट हाफ इन न्यूट्रलाइजेशन, तो ये NaOH ले लिया हमने और 50% क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन, मान लो ये HA है, क्या है बेटा, HA, तो क्या बन जाएगा, NaA WASB सॉल्ट, और 50% क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा, तो ये 50 बचेगा, ये फिनिश हो जाएगा, ये 50 क्या क्या बच गया, WASB प्लस क्या बच गया, W यानी एसिडिक बफर, और एसिडिक बफर की pH क्या होती है, pH = pKa, क्या होती है बेटा, प्लस log सोल्ट अपॉन बेस, क्या होती है, log सोल्ट अपॉन बेस। अब यहाँ पे दोनों इक्वल हो गए ना 50-50, तो pH = इसकी होगी pKa, और ये क्या कह रहा है बेटा, हाफ pKa बोल रहा है, तो फोर्थ आपका गलत हो गया। अब देखते हैं इसमें सही क्या करना है, ध्यान देना, सत्य है, करेक्ट, करेक्ट मैंने कौन कौन से बताए, सेकंड और थर्ड, तो क्या आंसर आएगा, सेकंड और थर्ड करेक्ट हैं। क्लियर बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, इलेवन में गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस पे 0.01 mm सॉल्यूशन मोनो बेसिक एसिड HA है, इसकी pH 4 है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट, देखना बेटा HA इज वीक एसिड, तो देखो अगर HA स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो क्या होता, H+ की जो कंसेंट्रेशन होती है वो होती है नॉर्मलिटी की इक्वल, यानी 10H1-2 होती तो pH 2 आती, स्ट्रॉन्ग है तो pH 2 आती, अगर मान लो HA स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो H+ क्या हो जाएगा, 10H1-2 हो जाएगा ना, pH 2 आती, बट pH 2 नहीं है, pH 4 है बेटा इसकी ना, इट मीन्स ये वीक है, क्या है, वीक एसिड है,
तो फर्स्ट आपका करेक्ट, स्ट्रोंग होता तो PS2 आती, ठीक। द आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट के ए अप्रोक्सीमेटली गिवन, कितना आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट के ए, तो के निकाल लेते अपन। एच प्लस की जो कंसेंट्रेशन है वो इसमें 10^-4 है ना, क्यों है, क्योंकि पीएस की वैल्यू 4 गिवन है और एच प्लस की कंसेंट्रेशन तो सी अल्फा, सी कितना है 10^-2, तो अल्फा कितना हो गया बेटा 10^-2, और के पता है वीक का क्या होगा सी अल्फा स्क्वायर, क्या होगा सी अल्फा स्क्वायर, क्योंकि अल्फा कम है तो सी आपका 10^-2 अल्फा स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा 10^-4, कितना आ गया बेटा 10^-6, और यहाँ भी -6 दिया हो तो सेकंड भी करेक्ट है, क्लियर। थर्ड, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन वुड काज द पीएस टू डिक्रीज, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वीक का जो आयोनाइजेशन है, वीक है ना बेटा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वीक का आयोनाइजेशन क्या होगा बढ़ेगा, यानी एस प्लस बढ़ेगी बेटा, एच प्लस बढ़ेगी तो पीएच क्या होगी डिक्रीज होगी, एच प्लस और पीएच दोनों क्या होते हैं इनवर्सली होते हैं, तो बिल्कुल बेटा थर्ड भी आपका करेक्ट है। फोर्थ, एडिशन ऑफ 0.1 mm HCl सॉल्यूशन वुड लोअर पीएच बाय इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, HCl डालेंगे एसिड डालेंगे तो पीएच तो श्योर है कम होगी, बाय इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ, अब देखो यहां पर लगेगा कॉमन आयन इफेक्ट, ध्यान दो इसमें दो स्टेटमेंट देखा जाए तो एक तो सही है कोई दिक्कत नहीं है, HCl डालेंगे एस प्लस बढ़ेगा, एस प्लस तो पीएच घटेगी, बट इसका जो वीक का जो आयोनाइजेशन है, मान लो HCl डाल दिया तो देखो यहाँ पे क्या होगा, वीक के आयोनाइजेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस क्या होगी इंक्रीज होगी, एच प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो ये रिएक्शन क्या जाएगी बैकवर्ड जाएगी, तो इसका आयोनाइजेशन क्या होगा डिक्रीज, क्या होगा डिक्रीज, यहाँ क्या गिवन है, यहाँ गिवन है कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होगी इंक्रीज, बट एक्चुअल में क्या हो रही है डिक्रीज बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, तो आपका फोर्थ इनकरेक्ट है बेटा, तो आपका आंसर क्या आएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्या आएगा फर्स्ट सेकंड और थर्ड आएगा, क्लियर बेटा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, ठीक है, H2O सॉलिड से H2O लिक्विड, ठीक है, इट मीन्स आइस से बन रहा है वाटर, क्या बन रहा है आइस से वाटर फॉर्म हो रहा है, तो देखो क्या क्या इसमें पूछ रहा है बेटा, डिक्रीज इन द प्रेशर ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया, प्रेशर डिक्रीज करने से क्या होगा, तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, सॉलिड से जब लिक्विड, आइस से जब वाटर बनता है तो क्या होता है वॉल्यूम क्या होता है डिक्रीज, और इस केस में क्या होता है जो फेवरेबल कंडीशन है वो क्या है हाई प्रेशर, क्या है बेटा हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, क्यों, इसका डेल्टा एच क्या है सॉलिड से लिक्विड है तो पॉजिटिव होगा, तो क्या होगा सॉरी हाई टेम्परेचर, क्या है हाई टेम्परेचर, ठीक है, और प्रेशर की बात करें तो प्रेशर भी क्या आएगा हाई आएगा, क्यों आएगा हाई प्रेशर क्यों आएगा, क्योंकि हाई यहाँ पे जनरली सॉलिड से जब लिक्विड बनता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, बट यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है डिक्रीज, आइस है ठीक है डायमंड है इस टाइप के केस में ऐसा हो रहा है, ठीक। अब हाई प्रेशर पे रिएक्शन आगे जाएगी, अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, प्रेशर कम कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा प्रेशर क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, तो रिएक्शन बैक आएगी और बैक आएगी तो आइस ज़्यादा बनेगी, तो पहला ऑप्शन क्या है बेटा फॉर्मेशन ऑफ H2O सॉलिड अधिक बनता है या मोर H2O सॉलिड, तो फर्स्ट करेक्ट है बेटा, क्लियर। सेकेंड है लिक्विड अधिक, सेकेंड इनकरेक्ट हो गया, बेकार रिएक्शन तो आइस बन रहा है, ठीक है। इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल सही बात है, आइस ज़्यादा बन रही है मीन मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, तो थर्ड भी आपका करेक्ट है और सेकेंड जैसे का अपोजिट है, फोर्थ भी इनकरेक्ट हो गया, तो फर्स्ट और थर्ड आपका आंसर आ जाएगा बेटा, क्लियर। 13 पढ़िए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, डेल्टा जी बिल्कुल सही है, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो होता ही होता है, तो 13 में 1 करेक्ट है। कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जितनी वो फॉरवर्ड की रेट को बढ़ाएगा उतनी बैकवर्ड की बढ़ा देगा, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सेकेंड भी करेक्ट है। के ऑलवेज इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग, बिल्कुल गलत है, एंडो के लिए बढ़ता है एक्जो के लिए घटता है। के चेंज बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन, बिल्कुल गलत है, के डिपेंड ओनली एट टेम्परेचर नॉट प्रेशर वॉल्यूम कंसंट्रेशन, क्लियर बेटा, तो फर्स्ट और सेकेंड इसमें करेक्ट है, इसमें क्या पूछ रहा है तो सत्य है करेक्ट है, तो फर्स्ट और सेकेंड आंसर आ जाएगा, क्लियर।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्सिबल सिस्टम रिलेशन बिटवीन K1, K2, K3। ठीक है, सिंपल था, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो आप 14 की बात कर रहे हैं तो 14 में चेक कर लीजिए। देखो बेटा, फर्स्ट हम चेक करते हैं, 14 में फर्स्ट चेक करते हैं, N2 प्लस O2 2NO से KO बन रहा है, यानी फर्स्ट में K1 इंटू K3 है, तो रिएक्शन को मल्टीप्लाई करने से 1 आ रहा है। ये कब पॉसिबल, जब फर्स्ट रिएक्शन 1 और थर्ड इन्वर्स हो। तो 1 और थर्ड चेक करो, इन्वर्स है क्या, N2 O2 2NO और थर्ड में 2NO से N2 O2, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इट मीन्स फर्स्ट आपका करेक्ट आ रहा है। सेकेंड में रूट K1 का रूट ले लो आप, तो रूट लेने का मतलब क्या होगा, पावर हाफ, यानी जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो रूट में जाता है ना, हाफ N2 प्लस हाफ O2, इससे बन जाएगा NO। ये वैल्यू आ गई रूट K1 की। अब इसमें अगेन क्या कर रहा है, रूट K1 इंटू K4 क्या कर रहा है, 1 कर रहा है। और ये कब पॉसिबल है, जब रूट K4 क्या हो जाए बेटा, 1/K4, यानी दोनों इन्वर्स लियो, तो रिएक्शन रिवर्स है क्या, 4 वाली रिएक्शन इसकी रिवर्स है क्या, 4 में आ रहा है NO से हाफ N2 O2, बिल्कुल बेटा। सेकेंड भी करेक्ट है। थर्ड में रूट K3 का रूट, यानी वही आपको क्या करना पड़ेगा, NO से हाफ N2 प्लस हाफ O2 सेम हो जाएगा, और K2 इसकी बिल्कुल इन्वर्स है, तो थर्ड भी आपका करेक्ट बेटा। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑल ऑफ थ्री आर करेक्ट। पिक आउट द एसिड बेस कॉन्जुकेट पेयर्स, एसिड बेस कॉन्जुकेट पेयर्स नोट डाउन कर बेटा। H3O प्लस एंड OH माइनस, H3O प्लस जब H देगा तो क्या बनाएगा, H2O, और लेगा तो क्या बनाएगा, H4 बन जाएगा। तो आपका OH माइनस के साथ तो कोई पेयर नहीं है ना, तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट है बेटा। सेकंड देखो, N2H6 प्लस 2, ठीक है। अब दूसरा है N2H5 प्लस, अगर ये H प्लस दे देगा तो बन गया बेटा, ये एसिड और इसका कॉन्जुगेट बेस, तो सेकंड करेक्ट है। C2H5OH, अगर ये भी H प्लस देगा तो C2H5O माइनस, ठीक, तो ये भी करेक्ट है, ऐसा ही दिया हुआ बेटा। फोर्थ में C5H5NH, H प्लस दे रहा है ना, तो N बच जाएगा, तो वो पेयर हो जाएगा, तो सेकंड थर्ड और फोर्थ आपका करेक्ट है, फर्स्ट में पेयर नहीं बन रहा है। ठीक, अब बात करते हैं सेक्शन डी की, किसकी बात कर रहे हैं, सेक्शन डी की बात कर रहे हैं, और सेक्शन डी में आते हैं बेटा इंटीजर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो फाइंड सम ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड्स इन SO2 एंड SO3। पहला सोल्व करते हैं बेटा, SO2 में पी पाई, तो S का आउटर सेल स्ट्रक्चर क्या होगी, S के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 6, बॉन्ड में कितने यूज हुए, 4, कितने बचे, 2 बोले तो 1 लोन पेयर। ठीक बेटा, S का आउटर सेल इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 3s2 3p4 होगा कि नहीं होगा। अब अपने को 4 बॉन्ड फॉर्म करना है, 1 2 3 4, और कोवलेंट बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म बाय हाफ फिल ऑर्बिटल्स, तो दिस इज 3s, दिस इज 3p एंड दिस इज 3d। बॉन्ड फॉर्म करना है 4 करना है, इट मीन्स आपको क्या करना है, फर्स्ट प्रमोशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, बिकॉज पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म बाय अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इसमें देखो सिग्मा कितना है, 2 लोन पेयर, 1 इन sp2, यानी 1s और 2kp, तो काम आ गया आपके हाइब्रिडाइजेशन काम आ गया। तो आपका बनेगा O के पास तो क्या है, पाई पी है, ठीक है, तो ये पी पाई बन गया, ये पी पाई, ये क्या बन गया, डी पाई, और O का पी पाई, तो पी पाई डी पाई आपका एक तो आ गया SO2 में, किसमें आ गया, SO2 में। SO3 में कितने आते हैं, SO3 में देखो आप 6 बॉन्ड फॉर्म करना है, आउटर में 6 है, 6 से 6 काम में आएंगे कि नहीं आएंगे, आगे 6 सिग्मा, 6 का 6 काम में आ गए, सिग्मा 3 लोन पेयर 0 sp2 हो गया, यानी
हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगा, बट बोन सिक्स बनने के लिए आपको इसको भी आगे भेजना पड़ेगा, डी में जाएगा ना, तो पी पाई डी पाई एक तो इसमें था, इसमें दो जाएंगे बेटा, और वन प्लस टू कितने आ जाएंगे, थ्री, कितने होंगे बेटा, थ्री पी पाई डी पाई, क्लियर। सेलेक्ट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विच कैन प्रोड्यूस पाई बॉन्ड विथ कैन ओवरलैप विथ एस। एस कभी भी पाई नहीं बनाता है। एस की शेप क्या होती है बेटा, स्फेरिकल शेप होती है, और स्फेरिकल शेप में ऑलवेज क्या होगा, एक्सियल ओवरलैपिंग की पॉसिबल होगी। अगर स्फेरिकल बॉल है सर, इस टाइप से भी पी बनेगा, इस टाइप से भी सिग्मा बनेगा, और जेड से भी सिग्मा ही बनेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो जीरो, क्या आंसर आएगा बेटा, जीरो जीरो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स इन वैलेंसी ऑफ सल्फर व्हेन इट अंडरगोज फॉर्मेशन ऑफ SF4। SF4 की हम बात करें तो अगर 3 की बात कर लें, S का आउटर से लिए है, ठीक है। अब SF4 यानी 4 एम्पीयर चाहिए ना आपको, 4 एम्पीयर चाहिए, ठीक है। F क्या बना, सिंगल बनाता है, यानी ये वाला केस ही होगा बेटा SF4, ठीक है। 4 सिग्मा बन जाएगा और 1 क्या बच जाएगा, लोन पेयर बच जाएगा, ठीक है। इस टाइप से क्या हो जाएगी इसकी, अगर हम बात करें ज्योमेट्री या शेप की बात करें, तो 4 सिग्मा एक लोन पेयर, यानी सी सो फोल्डेड, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है इसमें, वैकेंट ऑर्बिटल्स कितना है इसके, इसमें 1 2 3 4, तो क्या आंसर आएगा बेटा, 4, क्या आएगा बेटा, 4 आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल, तो हाउ मेनी कॉम्प्लेक्स विल फॉलो सिजविक EAN रूल। तो सिजविक EAN का फॉलो कौन करता है, जिसकी जिसका EAN क्या हो जाए, नोबल गैसेस के इक्वल हो जाए। नोबल गैसेस 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118, अगर इनके इक्वल आता है बेटा तो फॉलो कर रहा है, और इनके इक्वल अगर नहीं आता है तो फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सोल्व कर लें बेटा, तो सोल्व करो, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, फर्स्ट हम सोल्व कर रहे हैं K2HgI4 फॉर्मूला, पहले यूज में आ चुका है, EAN का फॉर्मूला होता है Z-ON+2 × CN, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक बेटा। तो मर्क्यूरी का जेड कितना, 80 होता है बेटा, माइनस ON कितना है, 2 + x - 4 = 0, तो x इक्वल टू क्या है, प्लस 2 है, तो 80 - 2 + 2 × CN कितनी है, 4 है, तो 8 कितना हो गया बेटा, ये 86, यानी ये फॉलो कर रहा है, ठीक। सेकंड देखते हैं, सेकंड है K4Fe CN6, ठीक बेटा। क्या होगा, Fe का जेड 26, ओवन कितना है, 4 + x - 6 = 0, x इक्वल टू प्लस 2 हो गया क्या, -2 + 2 × CN कितनी होगी बेटा, 6 होगी क्या, कितना हो गया, 24 + 12 = 36, 36 किसका होता है, नोबल गैस का, ये फॉलो कर रहा है बेटा, ठीक। थर्ड है FeCO2NO2, FeCO2NO2, अब NO की ON Fe के साथ ऑलवेज क्या होती है, प्लस 1, तो देखो ON क्या होगी, X इसका 0, प्लस 2 इक्वल टू 0, X इक्वल टू क्या होगी, -2, यहाँ Fe का ऑक्सीडेशन में -2 आ रहा है, तो क्या हो गया, 26 माइनस माइनस का 2 प्लस 2 इंटू सी एन 4, 2 × 4, ठीक बेटा, तो कितना हो गया, 28 + 8 कितना हो गया बेटा, 36, यानी ये भी फॉलो कर रहा है, क्लियर। नेक्स्ट है PtNH3CL4, PtNH3CL4, ठीक है। Pt का ओवन क्या होगा, ट्रिक क्या है, इसका 80 है तो इसका 79, इसका 78 होगा बेटा, तो 78 माइनस ओवन कितना है, निकालो, x अमोनिया का 0 माइनस 4 बोले तो 0, x इक्वल टू प्लस 4, तो 78 माइनस 4 प्लस 2 इंटू सी एन कितने हो गए बेटा, NH3 6 है केस में, NH3 6 CL4 बार है एक्चुअल में, ठीक है, तो सी एन 6 हो गई, तो 6 × 2 = 12 हो गया बेटा, तो ये हो गया 78 - 4 = 74 + 12 = 86, ये भी फॉलो कर रहा है, ठीक। अब तक तो सारे फॉलो कर रहे हैं। 5 देखो बेटा, PtNH3 4 Cl2, ठीक है, PtNH3 4 Cl2 बाहर है बेटा, Pt का कितना है, 78 माइनस ओवन कितना हो गया, प्लस 2 हो गया, यहाँ पे
जीरो माइनस टू जीरो, एक्स इक्वल टू प्लस टू, तो माइनस टू प्लस टू इंटू सी एन कितनी है फोर, तो 76 प्लस 8, 76 प्लस 8 कितना हो गया 84, ये फॉलो नहीं कर रहा है, क्लियर बेटा। एन आई एफ सिक्स माइनस टू, कोबाल्ट निकल 28 पे आता है क्या, माइनस ओ एन फोर जाएगी प्लस टू इंटू सिक्स 12 हो जाएगा, कितना हो गया 36, ये भी फॉलो कर रहा है, कितने कर रहे हैं 1 2 3 4 5, तो क्या आंसर आएगा 5 फॉलो कर रहे हैं, क्लियर बेटा। नेक्स्ट है फोर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम अमोनिया का मोनोडेंटेंट फोर, यानी फोर का फोर होगा, सल्फेट का फ्लेक्सिडेंटल लिगेंड है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा ओ एन निकालो बेटा, सी ओ एन एस थ्री फोर एस ओ फोर, सल्फेट क्या है बेटा फ्लेक्सिडेंटल लिगेंड, यानी इसकी ओ सी एन वन भी हो सकती है और टू भी हो सकती है, तो पहले ओ एन निकालो बेटा, एक्स अमोनिया का जीरो माइनस टू एक्स प्लस तीन, और कोबाल्ट प्लस थ्री की सी एन होती है बेटा सिक्स, क्या होती है सिक्स, तो फोर और एफ सल्फेट बाई का काम करेगा यानी सिक्स सी एन होगा बेटा, क्लियर, तो आंसर क्या आएगा सिक्स आएगा बेटा, सिक्स आपका केमिकल इक्विलिब्रियम से सोल्व करते हैं, देखो नोट डाउन करो यहाँ तक आप, सेवन पॉइंट जीरो सेवन ग्राम ऑफ एन एस फोर एस को प्लेस कर रहे हैं वन डेसीमीटर फ्लास्क में, टेम्परेचर गिवन है, हाउ मच एन एस फोर एच लेफ्ट इन द फ्लास्क आफ्टर इक्विलिब्रियम सेटअप के बाद कितना बचेगा, ठीक है, तो रिएक्शन लिखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर मैं सोल्व कर रहा हूँ सिक्स, एन एस फोर एच एस सॉलिड है, अमोनिया गैस प्लस H2S गैस क्या होगी प्रोड्यूस होगी, ठीक, इसका 7.70 ग्राम, ठीक है, लिया हमने स्टार्टिंग में, वॉल्यूम है 1 डेसीमीटर क्यूब, बोले तो 1 लीटर एक की बात है, टी 300 केल्विन है, ठीक है बेटा, और इक्विलिब्रियम के बाद केपी दिया हुआ, केपी कितना है 0.5, सॉरी 0.25, राइट 0.25 है, तो देखो जितना प्रेशर अमोनिया का बनेगा उतना एचटीएस का बनेगा, दोनों का एचटीएम कोएफिशिएंट 1:1 है ना, तो पी पी, तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया केपी, तो पी कितना हो गया बेटा 0.5, क्लियर, अब पी 0.5 हो गया तो यहां से हम इसके अमोनिया के मोल निकाल लें क्या, तो 4NH3 गैस पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो बोलो मोल कितने हो गए, पी वी अपॉन आर टी हो गया, क्या पी बोले तो 0.5, वी बोले तो कितना है वी 1 है, आर 1/12 ले लेंगे बेटा, ओ टी 300, ठीक है, ये कितना आएगा 2, 6 बचेगा 5 0 5 5 1/50, क्लियर, अब अमोनिया के 1/50 मोल कब बनेंगे, जब मान लो इसके जो मोल है ए मोल हो, ए 0 0 ए माइनस एक्स एक्स एक्स, तो इट मीन्स अमोनिया के एक्स मोल है तो इसके मोल कितने बचेंगे, इनिशियल माइनस एक्स, ठीक है, अभी बात समझ में, तो एक्स के जो मोल है वो आ गए 1/50 मोल, ये आपका एक्स आ गया, क्लियर, अब देखो मोल पूछ रहा है वेट इन ग्राम, क्वेश्चन पढ़ते हैं वापस एक बार क्योंकि उसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम कितना ग्राम में वेट इन ग्राम, तो एक काम करते हैं पहले से ग्राम है ये अपना, तो एक्स को ग्राम में कर लेते हैं, तो 7.07 में से एक्स मोल गए 1/50, और इसका मोलर मास कितना हो रहा बेटा एन का 14 और 15 कितना हो गया 14 और 5 19 19 प्लस 32 51 हो गया, तो अप्रोक्सीमेट 50-50 से कर दें क्या, तो 7.07 माइनस इंटीजर होगा तो देखो 6 आएगा ना, ये 1.7 आएगा, तो आपको आंसर आ जाएगा 6, क्लियर बेटा, बात समझ में आ गई क्या, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 200 ml ऑफ HCl सॉल्यूशन है, मिक्स कर रहे हैं
तो देखो एस ए एस बी की है, केस पहचानो बेटा आप, एस ए प्लस एस बी। तो इस केस में क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फॉर एसिड, सिग्मा एन ए वी ए क्या है बेटा एसिड के लिए, नॉर्मलिटी कितनी है 5 × 10⁻¹⁵, क्योंकि वी एफ वन है तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होगा नॉर्मलिटी, वॉल्यूम कितना है 200, तो कितना हो गया बेटा 1000 यानी 10⁻²⁰ हो गया। सिग्मा एन ए एन बी वी बी, बेस के लिए करो बेटा, बेस में 300 वॉल्यूम है, 5 − 5 × 300 है, तो ये आपका क्या हो गया 1.5 टाइम्स हो गया इसका, क्लियर। अब ज़्यादा क्या है बेस है ना, तो रिजल्टेंट क्या बनेगा बेसिक, क्या बनेगा बेसिक, तो रिजल्टेंट जो कंसंट्रेशन है वो क्या आएगी बेस की आएगी बेटा, क्या आएगी 1.5 × 10⁻²⁻²⁰ अपॉन सिग्मा वी, मिक्सर क्या होती है सिग्मा एन ए वी ए प्लस सिग्मा एन वी वी अपॉन सिग्मा वी होता है ना, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 300, 200, 500 हो गया बेटा, तो ये आपका बच गया 1.5 − 2 / 500। तो अगर देखा जाए तो 5 − 3 हो गया और 5 से 5 कैंसिल कर देंगे तो −5 हो गया, तो पी ओ एच 5 हो जाएगी और पी एच हो जाएगी 14 − 5 बोले तो 9। क्या पूछ रहा है पी एच है पी ओ एच देख लेते हैं हम, पी एच तो क्या आएगा आंसर 9 आ गया बेटा, क्लियर। 9 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करते हैं। एट 10 ml 0.5 m H2SO4 को मिक्स न्यूट्रलाइज कर रहे हैं अमोनिया के साथ, ठीक है, एक्वस यानी अमोनिया, एक्वस मतलब NH4OH के साथ। डिटरमाइन द pH ऑफ सॉल्यूशन एट द एंड पॉइंट, एंड पॉइंट का मीनिंग क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन की वजह कंप्लीटली सोल्ड बन जाएगा, तो रिएक्शन देखते हैं। देखो सोल्ड का केस है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, तो H2SO4 प्लस NH4OH गिव्स टू अमोनियम सल्फेट प्लस 2H2 करना पड़ेगा, 2 तो बैलेंस कर लो बेटा, ठीक। अब कंसंट्रेशन आपके पास H2SO4 के मोल हो गए 0.5 × 10, 5 हो गया बेटा, ठीक। कंप्लीट इज न्यूट्रलाइज, एंड पॉइंट पे आपको अमोनिया कितना एंड करे कि दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट आप इक्वल करो बेटा, अमोनिया कितना यूज करें इक्वल करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NH4OH, तो इसके M इंटू वी कितना हो गया 2 गया, इसकी मोलरिटी कितनी है बेटा 0.25, वी एफ वन है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वॉल्यूम इसका आ गया 10 / 0.25 यानी 40 ml, तो 40 ml आपको चाहिए कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज, क्या किया हमने N1V1 इक्वल टू क्या किया बेटा N2V2 कर लिया, और इसकी जो मोलारिटी है वो 0.25 वही क्या होगी नॉर्मलिटी यानी 40, यानी आपका ये हो गया आपका इक्वल किया हमने 5 ही आएगा बेटा, ठीक। कितना गया ये सॉरी ग्राम इक्विवेलेंट की बात करें तो आपका ये हो गया 20.25 × 40 यानी कितना हो गया 10 हो गया, इसके 1 मोल के साथ इसके 2, 5 के साथ 10, बेटा ध्यान देना ये तो मोल्स हैं, यहाँ हमने इक्वल किया है ग्राम इक्विवेलेंट N1V1 = N2V2, यहाँ से वॉल्यूम लिया है मैंने, क्या लिया ओनली वॉल्यूम, ठीक। अब देखो कम्प्लीटली एंड पॉइंट, मैंने देखो ये क्यों किया, मैंने एंड पॉइंट की बात कर रहा है, तो एंड पॉइंट यानी कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज, तो इसके 1 मोल के इसके 2 मोल चाहिए ना, तो 5 के लिए 10 चाहिए ना, अब 5 से 5 बनेंगे इसके, बट ये क्या आ गए मिलीमोल्स, क्या आ गए मिलीमोल्स आ गए, ठीक। अब बात करें मोलरिटी की, तो क्या होगा 5 / टोटल वॉल्यूम कितना हो गया बेटा 40 + 10 = 50 हो गया क्या, तो ये होगी 1/10। अब सोल्ट बना किससे बेटा WBSA का केस है, तो इसकी पीएच क्या होती है 7। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड 7 से कम होगी तो क्या लगाओगे 7 − 1/2 pKa
वी क्या है, बेस है, सेवन माइनस हाफ पी के भी माइनस हाफ लोग सी। और आपको पता हो तो सी जो कंसेंट्रेशन होती है वो अमोनियम प्लस की होती है, तो अमोनियम प्लस की मोलिटी क्या होगी, सी डबल होगी ना बेटा, तो 2/10 क्या हो गया, 2/10 यानी 0.2 आ गई। क्लियर, अब वैल्यू पुट करना खाली, 7 माइनस हाफ पी के बी, के बी होगा आपके पास 2 माइनस 5, तो पी के बी क्या होगा 5 माइनस log 2 माइनस हाफ लोग सी क्या हो गया 2 × 10⁻¹। सोल्व करें बेटा इसको, 7 माइनस ये हो गया 2.5, लोग 2.3 होता है, माइनस माइनस प्लस 0.3/2.15 हो गया, लोग 2 हो गया 0.3 by 2 यानी ये -0.15 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लोग -1 बार आएगा, -1/2 +1/2 यानी 0.5 हो गया बेटा। क्लियर, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये गया 7 - 2.5 +0.5 यानी 7 - 2, पीएच आ गई 5। क्लियर बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट ऑफ स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट MCl2 की जो KSP है वो 4 - 12 है, और AB2 टाइप KSP होता है 4s3, तो इसका S सॉल्युबिलिटी कितना हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, -3 से डिवाइड करेंगे तो -4 हो जाएगा बेटा। ठीक, ऑल्सो एट 25 डिग्री सेल्सियस सॉलिबिलिटी ऑफ MCl2 इन एक्व सोल्यूशन ऑफ CaCl2 इज दिस टाइम लेस, बिल्कुल कॉमन आयन लगेगा, कम होती है कंसेंट्रेशन ऑफ CaCl2, तो देखो आप क्या करेंगे, MCl2 M+2 + 2Cl- CaCl2 की कंसेंट्रेशन C ले लें बेटा, तो Ca+2 + 2Cl- C और 2C। अब इसकी जो कंसोलिबिलिटी है वो मान लें एस डैश, तो क्या हो जाएगा 2S- और कॉमन एन ऐड कर दो। अब KSP डिपेंड ओनली एट टेम्परेचर, ठीक है, तो KSP आपके पास है, पहले वाला KSP और KSP इक्वल करना है, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि अब जो सोलिबिलिटी है वो क्या है, एस डैश क्या है, पहले के कंपेयर में लेस कितनी है, 4 × 10⁸ टाइम्स, ये होगा डिवाइड, कम होगी ना तो डिवाइड ही करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 10⁻¹² / 12 / 4 हो जाएगा, ये एस डी एस आ गया बेटा। क्लियर, अब KSP इक्वल कर दो आप, KSP पहले वैल्यू है दिस, अब क्या हो जाएगा दिस इंटू दिस का स्क्वायर, तो एस डैश इंटू 2S- + 2C का होल स्क्वायर इक्वल टू 10⁻¹² / 12 / KSP की वैल्यू इक्वल करनी है, ठीक है, KSP की वैल्यू है 4 × 10⁻¹², ठीक है, 4 ×, ठीक बेटा। अब देखो क्या हो रहा है, आपको पता है कि यहाँ से टर्म आएगा ओनली कंसेंट्रेशन का लेते हैं, बाकी जीरो मानते हैं नेगलिजिबल, तो यहाँ से आ जाएगा S·4C² = 4 - 12, सी निकालना आपको, S- की वैल्यू पुट कर दो बेटा यहाँ से 10⁻¹² / 4 × 4 से 4 कैंसिल करो बेटा, C² = हो जाएगा -12, -12 से -12 कट गया, तो C² = क्या गया बेटा 4, तो C कितना आ गया 2। क्लियर, तो इसका आंसर आएगा 2। तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, ये पेपर यहाँ फिनिश होता है। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, जय CLC।